हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पब्लिक स्कूल की, जहां से वैकेंसी आई है टीचर्स की। सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले। अगर आपका सब्जेक्ट है तो अंत तक वीडियो को देखें, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, स्कूल की मेन वेबसाइट पर कैसे आना है, तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाली हूं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि कोई भी जो है गलती आप ना करें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहां पर इंफॉर्मेशन डेस्क आप लोगों को नजर आ रहा है, वैकेंसी और सर्कुलर, ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप लोगों को वैकेंसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने वैकेंसी पर क्लिक किया, आपके सामने ये पेज आ गया, जहां पर वैकेंसी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। टीजीटी पीआरटी म्यूजिक टीचर वोकल डांस की वैकेंसी है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। स्टार्टिंग यहीं से है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। टीजीटी की पोस्ट है, पीआरटी प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, जहां बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, म्यूजिक टीचर वोकल डांस की है, ठीक है। अभी जो है अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि हमने फॉर्म फिल किया था बट हमारे पास ना कोई कॉल आया ना कोई ईमेल आया। उसकी दो ही वजह रहती है, या तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक की है, या जो आपने जो भी यहां पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसे फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे कि 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए ऐसा कहा जाता है, और स्टूडेंट के होते हैं 49.5, ठीक है। तो ऐसे में जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो चीजें यहां पर लिखी गई हैं नोटिफिकेशन में, जैसा होता है उसे आप पढ़ें अच्छे से, उसके बाद जो है आप लोग अप्लाई करें। मेरे द्वारा आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चीज यहां पर नहीं बताई जाती है, जो नोटिफिकेशन में होता है मेन वेबसाइट पर ऑफिशियली सारी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। टीजीटी साइंस इंग्लिश मैथ्स के लिए यहां पर कहा गया है कि एज जो है आपकी जो है 40 साल अधिकतम अगर है, यानी 40 साल तक के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कही है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट साइंस इंग्लिश मैथ्स में मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे कैंडिडेट्स को जो है यहां पर प्रेफरेंस वरीयता मिलेगी। प्राइमरी टीचर्स के लिए इन्होंने साइंस इंग्लिश मैथ्स ये तीन सब्जेक्ट की ही वैकेंसी निकाली गई है, और यहां पर एज 40 साल ही है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, ग्रेजुएशन है, डिग्री है, बीएड, डीलेड, बीलेड और सीटेट यहां पर मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है बीएड वालों को एलिजिबल नहीं माना है और फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं जितने भी सरकारी स्कूल्स की वैकेंसी आती है। बट ये जो है सीआरपीएफ जो है प्राइवेट स्कूल है, तो इसलिए जो है बीएड वालों को भी इन्होंने एलिजिबल कर दिया है, क्योंकि यहां पर जो भी नियम है वो इन्हीं के आधार पर चलते हैं। काफी अच्छा स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, ठीक है। म्यूजिक टीचर वोकल डांस के लिए यहां म्यूजिक में बीए डिप्लोमा, म्यूजिक एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। डांस के लिए क्लासिकल वेस्टर्न दोनों के लिए है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। मास्टर डिग्री अगर है आपके पास तो और भी अच्छा है, ऐसे स्टूडेंट्स को जो है प्रेफरेंस मिलेगी, वरीयता मिलेगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट को कॉल या ईमेल आएगा जिनको ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, जो भी इन्होंने डिमांड की है उसे ये पूरा करते हों। लास्ट डेट से पहले ही आप लोग अप्लाई कर दें, 12 अक्टूबर 2023 जो है लास्ट डेट है उससे पहले ही आप कर दें, यानी 11 अक्टूबर तक जो है वो आप लोग कर ही दें। अब जो है आप लोगों को ना तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म को ना ही आप लोगों को पोस्ट करना है ना ही ईमेल करना है, तो क्या करना है, आप लोगों को स्कूल पहुंचना है। स्कूल में 150 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, उसे आप लेंगे, उसे फिल करेंगे, साथ में अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अटैच करनी है, और भी कोई चीज अगर अटैच करनी है तो वो आप वहां पर पूछ लें स्कूल में। 9 से 1 बजे तक का टाइम है, 12 अक्टूबर से पहले वर्किंग डे जब चल रहा होता है उसी समय जो है आप लोग उसे सबमिट कराएं, यानी स्कूल में ही जाकर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना होगा। अब एड्रेस क्या रहेगा, तो एड्रेस के लिए सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल की जो है मेन वेबसाइट पर आकर और होम पेज पर ही जो है आप लोगों को राइट साइड में कॉन्टेक्ट अस दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहां पर आपको एड्रेस दिखेगा, लेफ्ट साइड में आप देखें ईमेल एड्रेस, एड्रेस और फोन नंबर, तीनों ही चीजें आपको नजर आ जाएंगी। एड्रेस रहेगा सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, सेक्टर दिया है प्रशांत विहार रोहिणी दिल्ली, ये वैकेंसी दिल्ली की है, पिन कोड नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एड्रेस रहेगा, यहां पर आपको जाना होगा, यहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल में ही मिलने वाला है।
ये फोन नंबर है, अगर उससे पहले आप लोग और जानकारी लेना चाहते हैं तो इस जो है फोन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो आप ईमेल करके पहले जानकारी ले लें। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी हैं। सैलरी जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप जब स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाएं तो वहीं पर जो है सैलरी के बारे में भी आप पूछ लें। सीबीएसई स्कूल है, काफी अच्छी सैलरी जो है यहाँ पर मिलती है, बहुत सारे टीचर्स जो है वो बताते भी है। बट करेंट में जो है वो आप लोगों को टीजीटी और पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए क्या सैलरी देंगे, तो ये आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से जो है सैलरी ऐसे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल वही जानकारी देती हूँ जो कि ऑफिशियली मेरे सामने होती है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।